स्वागत है सभी दर्शकों का गिलौला सरावस्ती न्यूज चैनल में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा ले ताकि सभी खबरों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश की जनपद सरावस्ती से है, जहां भिंगा कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि नई बाजार मोहल्ला में रविवार शाम की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार के लोग मौत का कारण सर से गिरना बता रहे हैं, लेकिन महिला के शरीर पर धारदार हथियार के निशान हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं। एसपी अरविंद कुमार मौर्य पुलिस टीम के साथ मौके पर डटे हैं। भिंगा नगर के नई बाजार मोहल्ला निवासी अरुण प्रकाश वर्मा की पत्नी ममता को नाजुक स्थिति में शाम के करीब 5 बजे परिवार के लोग इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए। यहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। शव लेकर परिवार के लोग घर चले आए। अस्पताल की सूचना पर एसपी अरविंद कुमार मौर्य पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। परिवार के लोग छत से गिरने की महिला की मौत होना बता रहे हैं, लेकिन मृतका के गले व पेट पर नजर आ रहे धारदार हथियार के निशान हत्या को ओर इशारा कर रहे हैं। घटना की सूचना फैलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। पुलिस टीम भी घटनास्थल पर मुस्तैद है, परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है। घटना के संबंध में जानकारी के लिए एसपी अरविंद कुमार मौर्य व एसएसपी केशव चंद गोस्वामी से संपर्क करने का प्रयास किया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बाजार में अरुण प्रकाश आर्य जी का मकान है, उनका कहना है उनकी एजेंसी है तम्बाकू और बिस्किट नमकीन वगैरह की एजेंसी जो है वहाँ पे इनका गोदाम वगैरह है। वहाँ ये 1 बजे के करीब इनका कहना है कि घर से गए थे और उसके बाद ये चले गए मुख्यमंत्री की तरफ से, जिनसे लोग मिलते हैं गोदाम हुए थे। इन्होंने 4:30-5 बजे के करीब जब घर पर फोन किया था तो उनके द्वारा अपने भाई को केंद्रीय पड़ोस के रूप मांगे उनसे मिला गया का दरवाजा खुला हुआ मिला। अंदर गए तो उनके सभी शरीर की तकलीफ है, शरीर पर स्टैंड होने थे उनके लोग हॉस्पिटल में गए, कहा वो उनकी कार्रवाई की जाए।